जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि 2014 से लेकर 2022 के बीच में एजेंसियों द्वारा, ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों द्वारा जितने मुकदमे नेताओं पर करे गए, उसमें से 95% मुकदमे बीजेपी के राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ, यानी कि बीजेपी के पॉलिटिकल ओपोनेंट्स यानी कि विपक्षियों के खिलाफ किए गए। आप सब ये बात जानते हैं कि 2014 से लेकर 2022 के बीच में बताया जाता है कि 125 बड़े नेताओं पर मुकदमे हुए, 125 में से लगभग 118 बीजेपी के राजनीतिक विरोधी हैं यानी कि विपक्ष के नेता हैं। ये तो जग जाहिर है, आप सबने देखा, समझा, कई अखबारों में भी पढ़ा। और बड़े बड़े नेताओं पर मुकदमे किए, मनीष सिसोदिया से लेकर संजय राउत तक, राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक, पी चिदंबरम से लेकर फारूक अब्दुल्ला तक, अनिल देशमुख से लेकर नवाब मलिक तक, सारे जो बड़े शीर्ष नेता हैं अपनी अपनी पार्टियों के, उन पर मुकदमे दर्ज करे गए और केसेस को पकाया गया। पकाया इस तरह गया कि जब मौका मिलेगा, चुनाव नजदीक आएगा, राजनीतिक परिस्थितियां बदलती नजर आएंगी, तो समन भेजकर उनको बुला लेंगे, एजेंसियों के चक्कर कटवाएंगे, और फिर भी वो नेता नहीं माना तो उसे पकड़ के जेल में डाल देंगे। ये चलता आ रहा है। और इस बीच एक बड़ी राजनीतिक डेवलपमेंट होती है, वो बड़ी राजनीतिक डेवलपमेंट है इंडिया गठबंधन का बनना। इंडिया गठबंधन के बनने से भाजपा पूरी तरीके से डर गई, घबरा गई, और भाजपा को यह समझ में आ गया कि अभी तक वो ये तमाम पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती थी, वोट बढ़ जाता था तो बीजेपी सीटें जीत जाती थी, सरकार बना लेती थी, लेकिन इंडिया गठबंधन बनने के बाद सारे एकजुट होकर अगर चुनाव लड़ते हैं, भाजपा के एक प्रत्याशी के खिलाफ इंडिया गठबंधन का एक प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, तो भाजपा की सीटें कम होती हैं और भाजपा हार के नजदीक आ जाती है और लगभग हारती हुई नजर आती है। यह डर कहीं ना कहीं बीजेपी को सता रहा है। और इसी के चलते हमारे सूत्र हमें बताते हैं कि एक योजना बनी है। इन पुख्ता सूत्रों का कहना है, यह योजना है कि जो टॉप लीडरशिप है इंडिया गठबंधन के पॉलिटिकल पार्टीज की, जो मेन नेता है इंडिया गठबंधन के, उन्हें पकड़ के जेल में डाल दो। जब टॉप नेता जेल में डाल दिया जाएगा तो वो चुनाव कैसे लड़ेगा? वो तो कोर्ट कचहरी, वकील, एजेंसी, जेल के चक्कर काटता रह जाएगा, पार्टी कैसे चलेगी? तो यानी कि अगर इंडिया गठबंधन के एक एक नेता को, जो शीर्ष नेता है, टॉप लीडरशिप है पार्टी की, या पार्टी का मेन मुखिया है, मेन अध्यक्ष है, अगर उसे ही पकड़ के जेल में डाल दोगे तो रेस में तो अकेले भाजपा दौड़ेगी और अकेले ही जीत जाएगी। जब रेस में कोई दौड़ेगा ही नहीं उनके साथ, तो अकेले ही दौड़ेगी और अकेले ही जीत जाएगी। इसी श्रृंखला में एक योजना बनी है और उस योजना में पहला अरेस्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भाजपा की एजेंसियां करने जा रही हैं। दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं, इंडिया गठबंधन अगर एकजुट होकर लड़ता है तो 7 की 7 सीटें बीजेपी हार रही है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और ये 7 की 7 सीटों का की हार बीजेपी को इतना सता रही है कि वो अपने अरेस्ट की शुरुआत दिल्ली से करने जा रहे हैं और पहला अरेस्ट अरविंद केजरीवाल जी का करेंगे, ताकि इन 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ने लायक ना रहे। जब नेता ही नहीं होगा तो पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी? और अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालो, 7 सीटें दिल्ली की अपनी जेब में डालो, यह भाजपा का लक्ष्य है। इसके बाद ये लोग अगला अरेस्ट जो करने जा रहे हैं वो एक ऐसे राज्य का है जिसमें 14 सीटें आती हैं, 14 की 14 लोकसभा सीटों पर भाजपा की हालत खराब है, और ये झारखंड राज्य, जिस राज्य में जेएमएम पार्टी की सरकार बनी,
जब से हेमंत सोरेन साहब वहां के मुख्यमंत्री बने तब से उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ती गई कि वो भाजपा जो 2019 में 14 में से 12 सीटें झारखंड की जीती थी आज 14 में से 4 सीटें भी जीतती नजर नहीं आ रही है। इसी के चलते अगला अरेस्ट वे होप हेमंत सोरेन साहब का करेंगे और झारखंड की रेस में अकेले ही भाजपा दौड़ेगी, अकेले ही जीतेगी, ये लक्ष्य है। इसके बाद बिहार के राज्य में जहां पर पिछली बार नीतीश कुमार के सहारे भाजपा 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ी थी, शानदार प्रदर्शन रखा था, 40 में से 39 सीटें जीती थी, उस राज्य में जब से नीतीश कुमार जी ने उनका दामन छोड़ा और आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर सरकार बनाई तभी से यह योजना बन गई कि आरजेडी की टॉप लीडरशिप जो है उसे पकड़ के जेल में डालो। इसी श्रृंखला में अगला अरेस्ट आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का हो सकता ताकि आरजेडी पूरी तरीके से बैठ जाए और बिहार में चुनाव लड़ने लायक ना रहे, रेस में अकेले भाजपा दौड़ेगी, अकेले जीत जाएगी। इसके बाद अगला राज्य जहां पर भाजपा की एजेंसियां अपनी दस्तक देने वाली हैं वो है वेस्ट बंगाल। बंगाल वो राज्य जहां पर भाजपा ने पूरे दमखम से राज्य का चुनाव लड़ा, विधानसभा का चुनाव लड़ा, खूब पैसा भी खर्चा, समय भी लगाया, नेताओं को, बड़े से बड़े नेताओं को उतारा, लेकिन कुछ खास नहीं बना। और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस बेहतरीन मार्जिन के साथ विधानसभा की सीटें जीती और अपनी सरकार बनाई, तो वे समझ गए कि बंगाल में ममता बनर्जी को हराना मुश्किल है। हराना मुश्किल है तो एक ही उपाय है, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को पकड़ के जेल में डालो। अगर उन्हें जेल में डाल देंगे तो बंगाल में हमारे लिए राह आसान हो जाएगी, अकेले रेस में भाजपा दौड़ेगी, अकेले रेस में भाजपा जीत जाएगी। तो अगला जो इनका दस्तक होगी झारखंड और बिहार के बाद वो बंगाल के राज्य में होगी जहां 42 लोकसभा सीटें आती हैं, बड़ा राज्य है। इसके बाद दस्तक दी जाएगी केरला में जहां पर विजयन साहब मुख्यमंत्री हैं। जब से सीपीएम की वहां सरकार बनी, पिनियरी विजयन साहब मुख्यमंत्री बने, तब से उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और आलम कुछ इस कदर है कि केरल में 20 लोकसभा सीटें आती हैं, 20 में से एक भी सीट भाजपा की नहीं है। भाजपा अपना खाता खोलना चाहती है केरल में, खाता खोलने के लिए विजयन साहब को हराना और सीपीएम को केरल में हराना असंभव है, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। आसान बस इतना है कि केरल के मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन को पकड़ के जेल में डालो, वो जेल जाएंगे तो पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाएगी तो भाजपा की जीत निश्चित है। ये 4-5 मुख्य अरेस्ट करने के बाद अगली दस्तक जो भाजपा की एजेंसियां देंगी वो तमिलनाडु में। तमिलनाडु फिर एक ऐसा राज्य जहां पर लोकसभा की 39 यानी कि 39 सीटें आती हैं, बड़ा राज्य है और इन 39 सीटों में से एक भी सीट भाजपा की नहीं है। तमिलनाडु में एक बड़ा राजनीतिक दल जो बीजेपी के साथ अलायंस में था, बीजेपी के साथ गठबंधन में था, AIADMK, वो भी बीजेपी का साथ छोड़ के चला गया। तमिलनाडु में भाजपा की हालत पतली है, तो तमिलनाडु में एंट्री करने के लिए, कुछ सीटें तमिलनाडु से लोकसभा की बटोरने के लिए, अपना खाता खोलने के लिए सबसे आसान काम है कि MK Stalin जो वहां के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके करीबियों को पकड़ के जेल में डालो। और आप देख ही रहे हैं कि कैसे उनके एक मंत्री सेंथिल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पकड़ के जेल में डाल दिया और नेताओं को अब बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। और MK Stalin को, उनकी पार्टी को कमजोर करो ताकि वो तमिलनाडु में इलेक्शन लड़ने के काबिल ना बचे। उसके बाद अगली दस्तक तेलंगाना में दी जाएगी जहां पे फिर आने वाले राज्य का चुनाव और आने वाला राष्ट्रीय चुनाव, दोनों भाजपा बुरी तरीके से हार रही है और वहां पर BRS पार्टी बहुत मजबूत है, तो BRS पार्टी को दौड़ से हटाने के लिए BRS के शीर्ष नेतृत्व KCR
और उनकी बेटा और बेटी को अरेस्ट करने की तैयारियां चल रही हैं। इसी श्रृंखला में आखिरी दस्तक जो दी जाएगी वो महाराष्ट्र में दी जाएगी। महाराष्ट्र वो राज्य जहां पर भाजपा ने शिवसेना के साथ मिलकर और शिवसेना के भरोसे 2019 में बहुत शानदार प्रदर्शन किया, बड़ी सीटें बटोरी, लेकिन जब से शिवसेना ने भाजपा का दामन छोड़ा, अपने रास्ते गई, तब से भाजपा वहां कमजोर हो गई। और आज जो बैकडोर से महाराष्ट्र में सरकार बनाई है उसके चलते लोगों का प्यार, आशीर्वाद और सहानुभूति सब उद्धव ठाकरे के साथ और उनकी पार्टी और उनके गठबंधन के साथ है। तो अंत में आखिरी शिकार भाजपा का होगा महाराष्ट्र में, जिसमें उद्धव ठाकरे साहब को कमजोर करने के लिए, शरद पवार साहब को कमजोर करने के लिए उनके पार्टी के जो मेन नेता हैं उन्हें पकड़ के जेल में डाला जाएगा। अल्टीमेट गोल, जो सबसे बड़ा उद्देश्य भाजपा का है, वो ये है कि एक ही पार्टी इस देश में बचे और एक ही नेता इस देश में बचे, बाकी सारी पार्टियां समाप्त हो जाएं, कोई पार्टी कोई भी राज्य में चुनाव लड़ने लायक ना रहे, ताकि ना रहेंगी विरोधी पार्टियां, ना लड़ पाएंगे विरोधी पार्टी के नेता चुनाव, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। ये हमारे सोर्सेस पुख्ता तौर पर हमें बता रहे हैं कि आने वाले समय में ये सारी चीजें इसी श्रृंखला में, जिस श्रृंखला में, जिस ऑर्डर में मैंने आपको बताया है, ये सारी चीजें होने जा रही हैं। ये बेहद खतरनाक है, देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अगर देश में पार्टियां ही नहीं बचेंगी, नेता जेल में डाल दिए जाएंगे, नेता ही नहीं बचेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ही नहीं होगा, लोकतंत्र ही नहीं बचेगा, तो हमारे देश की जो नींव है वो हिल जाएगी। हमारे देश की इमारत जिस नींव पे खड़ी है वो नींव नहीं बच पाएगी। एक बहुत खतरनाक खेल देश के लोकतंत्र के साथ खेला जा रहा है। इसकी चिंता आपको भी है, हमको भी है और 135 करोड़ भारतीयों को है। इस संदर्भ में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। राघव, सवाल ये है कि क्या कल अरविंद केजरीवाल के सामने पेश होंगे या नहीं, क्योंकि अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं दिख रही आप लोगों को। देखिए, 2 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को समन भेजकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बुलाया है, कल की तारीख है। बहुत जल्द हम आपको बताएंगे आगे का प्लान, और इस बारे में जैसे ही कोई सूचना मुझे प्राप्त होगी तो मैं अवश्य आपको उससे अवगत कराऊंगा। सर, आपने जितनी पार्टियों के नाम लिए, जिन नेताओं के अरेस्ट होने की संभावनाएं जताई, वो ज्यादातर वो दल है जो इंडिया गठबंधन में क्षेत्रीय दल है, इसमें कहीं पर भी कांग्रेस का आपने नाम नहीं लिया, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं बचाए रखने की प्लानिंग? देखिए, मैंने आज आपको मुख्य तौर पर राज्य दर राज्य बताया है, राज्य दर राज्य, बड़ी क्लिनिकल प्रिसिशन से कि कौन से राज्य में कितनी सीटें हैं और उस राज्य के कौन से नेता को जेल में डालने की तैयारियां चल रही हैं। इसी श्रृंखला में कांग्रेस के नेताओं के नाम से ही मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करी, जिसमें मैंने शुरुआत में ही सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी का नाम लिया, पी चिदम्बरम साहब का नाम लिया, और एक नाम मैं लेना भूल गया, राजस्थान में चुनाव चल रहा है, राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब के सुपुत्र वैभव गहलोत को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक कोई बहुत ही पुराने बेबुनियाद से मामले में समन किया है। तो जिस प्रकार से एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये चिन्हित कर जो मुख्य नेता हैं, जो वोट बटोर सकते हैं, जो वोट गेटर हैं, जिनके नाम पर वोट पड़ता है, उन्हें पकड़ के जेल में डालो। दिल्ली में किसके नाम पे वोट पड़ता है? अरविंद केजरीवाल के नाम पे, अरविंद केजरीवाल को पकड़ के जेल में डालो। बिहार में किसके नाम पे वोट पड़ता है? तेजस्वी यादव के नाम पे वोट पड़ता है, तेजस्वी यादव को पकड़ के जेल में डालेंगे ये लोग। बंगाल में किसके नाम पे वोट पड़ता है? ममता बनर्जी के नाम पे वोट पड़ता है, ममता बनर्जी को पकड़ के जेल में डालेंगे ये लोग। केरल में किसके नाम पे वोट पड़ता है? पिनरई विजयन के नाम पे वोट पड़ता है, पिनरई विजयन को पकड़ के जेल में डालेंगे। झारखंड में किसके नाम पे जेएमएम इलेक्शन जीती और किसके नाम पे वोट पड़ता है? झारखंड में हेमंत सोरेन के नाम पे वोट पड़ता है, हेमंत सोरेन को पकड़ के जेल में डालेंगे ये लोग। और जो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना जैसे बड़े राज्य हैं, वहां पर अगर शीर्ष नेता को नहीं तो उसके आसपास वाले, उसके दाहिने हाथ और बाईने हाथ को पकड़ के जेल में डालेंगे कि नेता कमजोर हो जाए, पार्टी कमजोर हो जाए, पार्टी चुनाव लड़ने लायक ना रहे। अंत में गोल बस इतना ही है भाजपा का कि एक ही पार्टी बचे, एक ही नेता बचे। रेस में अकेले भाजपा दौड़े तो अवश्य तौर पर, निश्चित तौर पर भाजपा ही रेस जीतेगी,
बाकी कोई रेस में दौड़ने लायक बचे ही ना, भार ही ना बचे, सबको जेल में डाल दो, ये मोटे मोटे तौर पर प्लान। आपने कहा कि जैसे कि अगर गिरफ्तारी होती है तो पार्टी की व्यवस्था का क्या होगा, सरकार कैसे चलेगी, आप लोगों ने क्या इस बारे में कुछ विचार किया सोचा? आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से बीजेपी की इस दमनकारी नीतियों का और इस हिटलरशाही रवैये का मुकाबला करेगी, और ईंट का जवाब पत्थर से देने के हम लोग काबिल हैं। इस विषय में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं। देखिए, अभी जो भी लीगल ऑप्शंस एक्सप्लोर किए जाएंगे, वकीलों से बात किए जाएंगे, उसकी सूचना आपको दी जाएगी। मैं व्यक्तिगत तौर पे ये जानकारी नहीं रखता हूँ, जैसे ये जानकारी मुझे मिलेगी मैं जरूर आपको इस जानकारी से मुहैया कराऊंगा। हमने देखा हेमंत सोरेन नहीं गए, रैलीज की उन्होंने, अभिषेक बैनर्जी नहीं गए, अपोजिशन लीडर्स ने इस टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया है ईडी के केसेस में। मुझे पता लगेगा कि हम क्या करेंगे तो आपको अवश्य बताऊंगा, मुझे व्यक्तिगत तौर पर इसकी जानकारी नहीं। आपने एप्पल की कल का मैसेज अपना सार्वजनिक किया था, कई नेताओं ने इस तरह के आरोप लगाए, लेकिन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीसी के और उन्होंने इस आरोप को खारिज कर, उन्होंने कहा कि एप्पल की तरफ से, एप्पल सपोर्ट की तरफ से जो जानकारी दी गई आरोप बेबुनियाद है। देखिए, स्नूपिंग का जो मसला है ये बहुत खतरनाक है। मुझे कल सुबह एप्पल द्वारा मेरे एप्पल आईफोन पर एक एसएमएस के माध्यम से और मेरे रजिस्टर्ड एप्पल ईमेल आईडी पर ईमेल के माध्यम से एक लंबा मैसेज आता है, जिसकी कॉपी मैं आपके सामने लाया हूं। इस मैसेज में ये बताया जाता है कि आपका फोन एक स्टेट स्पॉन्सर्ड स्पाईवेयर द्वारा हैक कर लिया गया है। आपके फोन का सारा डेटा, आपके फोन में मौजूद फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, वीडियोस, कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, ये सारे उस हैकर के कब्जे में आ गए हैं, और आपके फोन का माइक्रोफोन और कैमरा ये कॉम्प्रोमाइज हो गया है। यानी कि आप जो भी बात करेंगे फोन पर, या फोन पर बात नहीं भी करेंगे, आपका फोन साइड पे पड़ा हुआ है तो भी आपका कैमरा और माइक्रोफोन आपकी आवाज को और आपके आसपास के दृश्यों को कैप्चर कर रहे हैं और स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर के जरिए से हैकर को भेज रहे हैं। यानी कि इकलौता ऐसा डिवाइस जो 24 घंटे लगभग आपके साथ होता है, उस डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया, आपकी प्रिवेसी और आपके तमाम एक्टिविटीज जो आप उस फोन के माध्यम से करते हैं उन्हें कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया, इन्फेक्ट कर दिया गया। बेहद खतरनाक चीज है। किसने की, कैसे हुआ, ये सारे बड़े सवाल आज भारत सरकार के सामने खड़े हैं। पेगासस स्कैंडल जो हुआ था आज से करीब करीब 1.5-2 साल पहले, उस स्कैंडल की याद फिर से एक प्रकार से ताजा हो गई। इस संदर्भ में क्या लीगल ऑप्शंस हमारे पास हैं, ये हम लोग विस्तार से इस पे चर्चा कर वकीलों से भी सलाह करेंगे, और कैसे इस पूरे मामले की पूरी जांच हो, पता लगे कि कौन हम पर ये स्नूपिंग कर रहा है। और बड़ी दिलचस्प चीज है कि ऐसा कौन है जो सिर्फ बीजेपी के विरोधी जो लोग हैं, जो ऑपोजिशन के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्हीं की स्नूपिंग कर रहा, इसका फायदा किसको होगा? कोई लोग मुझे कह रहे थे कोई इसमें बड़ी कोई अंतरराष्ट्रीय ताकतें भी हो सकती हैं, कोई फॉरेन कंट्रीज इंडिया के पॉलिटिशियंस मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के फोन स्नूप करके कोई बड़ी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इंफॉर्मेशन लेना चाहती है। तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि ऐसी कौन सी इंटरनेशनल एजेंसी होगी जिसे सिर्फ भारत के विपक्षी नेताओं के फोन पर ही दिलचस्पी है, भारत सरकार के मंत्रियों की, भारत सरकार के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की, बीजेपी के नेताओं के फोन्स में कोई दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ इंडिया के ऑपोजिशन एमपीज के फोन्स में क्या हो रहा है, वो किससे बात करते हैं, किसको टिकट दे रहे हैं, क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बना रहे हैं, कोर्ट कचहरी में जाने के लिए क्या रणनीति बना रहे हैं,
यह जानने में किसको दिलचस्पी होगी? क्या किसी अंतरराष्ट्रीय ताकत को दिलचस्पी होगी या बीजेपी को दिलचस्पी होगी? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये सत्य हैं कि भारत सरकार खुद भाजपाई विपक्षी नेताओं के फोन को इस प्रकार से हाईजैक कर इन्फेक्ट कर विपक्षी नेताओं की स्नूपिंग कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे गंभीर चीज कोई भारत के लोकतंत्र के लिए हो सकती है। इस संदर्भ में तमाम इन्वेस्टिगेटिव और लीगल ऑप्शंस पे हम विचार कर रहे हैं और क्या आगे हमारा अगला कदम होगा आपको बताएंगे। बीजेपी इसी पे जॉर्ज सोरोस लिंक एक तो लेके आई है और इसको बेसलेस बता रही है, दूसरा जो उनकी एनजीओ है कि ये उसका और एप्पल का क्या लिंक है उसके लिए, और एप्पल ने जो स्टेटमेंट दिया उसको उससे मेरे फोन का क्या लेना देना, मेरे फोन का क्या लेना देना, मेरे फोन को क्यों इन्फेक्ट किया गया, मेरे फोन को एक स्टेट स्पॉन्सर्ड स्पाइवेयर से इन्फेक्ट क्यों किया गया? और ये तो गनीमत है एप्पल की कि एप्पल जो फोन मैन्युफैक्चरर है उसने हमें एक एसएमएस के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से बता दिया। यदि कोई और ब्रांड मोबाइल फोन का होता जो शायद इस प्रकार की सूचना देने के काबिल ना होता तो शायद हमारा फोन महीनों महीने इन्फेक्टेड रहता, हमारी सारी कॉन्वर्सेशंस, फाइल्स, फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, चैट्स सारे इन्फेक्टेड होते। और जो स्टेट स्पॉन्सर्ड स्पाइवेयर जिसने हमारे फोन में ये डाला है, हमारा सारा डेटा उनके हाथ में होता, तो ये बहुत गंभीर चीज है। और आज हमारे साथ ये हुआ है, कुछ चुनिंदा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के साथ, कल ये आपके साथ हो सकता। ये 135 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा और प्रिवेसी की बात है। हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रिवेसी। अगर राइट टू प्रिवेसी वायलेट होता है तो फंडामेंटल राइट की वायलेशन है। इस विषय में भारत सरकार को, भाजपा को सोचना चाहिए। आपने लीगल ऑप्शन की बात के लिए क्या पर्सनल आपके लेवल पे या सभी लोग चर्चा करें जिनके पास अलर्ट आया? देखिए, इस विषय में मैं बस अभी इतना ही कहना चाहता हूं कि हम तमाम लीगल ऑप्शंस पे विचार कर रहे हैं कि कैसे इस पूरे मसले की, इस स्नूपिंग के फोन को इन्फेक्ट करके सारा विपक्षी नेताओं का डेटा कैप्चर करने के जो ये पूरा एक प्रकरण हुआ है, इसकी तह तक जाया जाए, इसकी जांच हो और पता लगे कि कौन इसके पीछे, उसकी मंशा क्या है और जिसने ये किया है उसको इसकी क्या सजा मिलनी चाहिए। आपको वो बताएंगे कि क्या लीगल ऑप्शंस हम तलाश रहे हैं। जॉर्ज सोरोस का जो लिंक बीजेपी जिसको क्लेम कर रही है, अमित मालविया बीजेपी से ट्वीट भी कर रहे हैं और बोल रहे हैं उस पे, उसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, उसका मेरे फोन से क्या लेना देना, मेरा फोन क्यों हाईजैक किया गया, मेरा फोन क्यों इन्फेक्ट किया गया, मेरा फोन क्यों हैक किया गया, मेरे फोन से क्या मतलब इन चीजों का? सर, इससे इतना एक सवाल ये है कि परसों जो मनीष सिसोदिया जी की बेल याचिका खारिज की गई थी उस पे पार्टी ने असहमति जताई थी निर्णय पे और ये कहा था कि हम इसमें लीगल ऑप्शंस तलाश रहे हैं, तो क्या उसमें आगे कुछ प्रोग्रेस है? देखिए, वो आपको समय आने पर बताएंगे, पूरा ऑर्डर केयरफुली स्टडी कर हमारे वकील जो स्ट्रेटजी बनाएंगे उसे जरूर हम फॉलो करेंगे, उस बारे में आपसे फिर रूबरू हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पैनल भी उसमें, पार्लियामेंट्री पैनल ने एप्पल से भी समन किया है लोगों को इसी केस में। देखिए, इस पूरी स्नूपिंग गेट स्कैंडल में एक बड़ी विचित्र चीज निकल कर आ रही है कि सारा ब्लेम, सारा दोष एप्पल पे डाल दो कि एप्पल की गलती है। एप्पल की क्या गलती है? एप्पल ने तो बल्कि सही समय पर इख्तलाक किया, जानकारी दी एप्पल फोन यूजर्स को कि आपका फोन को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया, इन्फेक्ट कर दिया गया। तो ये कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि इस पूरी कवायद में दोषी एप्पल को करार आ जाए? जिस शख्स ने स्टेट स्पॉन्सर्ड स्पाइवेयर नेताओं के फोन में डाला उस पर कोई उंगली ना उठाए, ऐसा कौन करना चाहता है? ये क्यों हो रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया।